खबर हमीरपुर से है, जहां पर भगोड़ी कंपनियों से पैसा दिलवाए जाने को लेकर कलेक्ट्रेट हमीरपुर में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए हैं। गोष्ठी से पहले यहां ब्यूजीएस एक्ट 2019 के तहत कार्रवाई के लिए जिला अधिकारी डॉक्टर चंद्रभूषण त्रिपाठी को मिशन भुगतान भारत संगठन के प्रदेश अध्यक्ष सूरजदीन विश्वकर्मा ने अपने सैकड़ों सदस्यों के साथ ज्ञापन सौंपा। इस संगठन ने सरकार से भगोड़ी कंपनियों से लोगों का पैसा दिलवाए जाने की मांग की है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि इस तरह हर निवेशक के आवेदन करने के 180 दिन में भुगतान सुनिश्चित है और उसी को लेकर हमारा संगठन जनता और निवेशकों के बीच जाकर जन जागरण कर रहा है। उन्होंने कहा है कि हमारा संगठन प्रदेश के सभी जिलों में जाकर जिले के जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर 180 दिनों के अंदर निवेशकों से पैसा दिलाने का लगातार मांग करता रहा है। उन्होंने कहा है कि अगर 23 मार्च 2023 से पहले हमारा भुगतान नहीं होता है तो हम लोग 2024 लोकसभा चुनाव में पूरी तरह से चुनाव बहिष्कार करेंगे। पूरे भारतवर्ष में भ्रमण चल रहा है, तमाम देखा होगा देश में कंपनियां आई हैं और जनता का पैसा ले करके भुगतान नहीं कर रही है। इस परिप्रेक्ष्य में हम लोग का मिशन भुगतान भारत यात्रा चल रहा है। आज किसी उपलक्ष्य में हमीरपुर भी आए हैं, उसके बाद हमारा क्रमशः हर जनपद में लगा रहता है। और हम लोग एक भारत सरकार ने कानून बनाया है बट्स एक्ट 2019, इसके तहत हर निवेशक का आवेदन करने पर 180 दिन में भुगतान सुनिश्चित है। ये सरकार का एक कानून बनाया है, इसी के तहत हम लोग जाकर के जनता के बीच में, निवेशकों के बीच में इसको जन जागरण कर रहे हैं। सब लोग जाने इस कानून को और इस कानून के तहत अपने संबंधित जिलाधिकारी को, क्योंकि इस कानून में हर जिले में सक्षम अधिकारी जिलाधिकारी को बनाया गया है इस कानून के तहत, और जो भी निवेशक उस कानून के तहत सक्षम अधिकारी को आवेदन करेगा 180 दिन में उसका भुगतान सुनिश्चित है। यही अभियान हम लोगों का पूरे भारत को